말씀을 듣도록 하겠습니다. Your Excellency, Rashtrapati Moon Jae-in, distinguished delegates, friends, Annyeong Haseyo. नमस्कार. कोरिया आने के निमंत्रण के लिए और हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मून का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. मैंने पहले भी कई बार कहा है और जब मैं प्रधानमंत्री नहीं बना था तब से मेरा मानना रहा है कि भारत के विकास के लिए कोरिया का मॉडल शायद सबसे अधिक अनुकरणीय है. कोरिया की प्रगति भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसलिए कोरिया की यात्रा करना मेरे लिए हमेशा प्रसन्नता का विषय होता है. फ्रेंड्स, पिछले वर्ष जुलाई में हमें राष्ट्रपति मून का भारत में स्वागत करने का अवसर मिला था. ईस्ट एशिया समिट और G20 समिट के समय भी हमारी मुलाकातें हुई. मैंने अनुभव किया है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी का तालमेल हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहराई और मजबूती देने का सुदृढ़ प्लेटफॉर्म दे रहा है. इंडो पैसिफिक के संबंध में भारत का विजन समावेशिता, आसियान की केंद्रीयता और साझी समृद्धि पर विशेष जोर देता है. एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और कोरिया साझा मूल्यों और हितों के आधार पर पूरे क्षेत्र एवं विश्व के लाभ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं. और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति जी की भारत यात्रा के बाद बहुत ही कम समय में हमने अपने संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है. यह प्रगति और भविष्य में हमारे संबंधों का रोडमैप पीपल, पीस और प्रॉस्पेरिटी के हमारे साझा विजन पर आधारित है. फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह भारत में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए और अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैं इसके लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं. हम आतंकवाद के खिलाफ अपने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ MOU हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा. और अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर इस समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करें. फ्रेंड्स, भारत के आर्थिक परिवर्तन में हम कोरिया को मूल्यवान साझेदार मानते हैं. हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंध बढ़ रहे हैं. आज राष्ट्रपति मून और मैंने 2030 तक हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है. इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं. हमारी बढ़ती सामरिक साझेदारी में
रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K-9 वज्र आर्टिलरी गन के शामिल होने में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन में इस उल्लेखनीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर एक रोडमैप बनाने के लिए भी सहमति की है और इसके अंतर्गत हम भारत में बनाए जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में कोरियाई कंपनियों की भागीदारी का भी स्वागत करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष नवंबर में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव महोत्सव में फर्स्ट लेडी किम की मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी हमारे लिए सम्मान का विषय था। उनकी यात्रा से हजारों वर्ष के हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर एक नया प्रकाश पड़ा और नई पीढ़ी में उत्सुकता और जागरूकता का वातावरण बना। हमारे ऐतिहासिक पीपल टू पीपल संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए हमने भारत में कोरिया के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पिछले वर्ष अक्टूबर से शुरू कर दी है। कोरिया द्वारा भारत के नागरिकों के लिए ग्राउंड वीजा के सरलीकरण के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इससे हमारे द्विपक्षीय पर्यटन का विकास होगा। मेरी यह कोरिया यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में हो रही है जब महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और कोरिया में लोकतंत्र के आंदोलन का शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है। हमारे महात्मा गांधी स्मरणोत्सव संग्रह के लिए राष्ट्रपति मून द्वारा लिखी गई श्रद्धांजलि के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। फ्रेंड्स, आज कोरियाई प्रायद्वीप में जो शांति और स्थिरता हमें नजर आती है उसका श्रेय राष्ट्रपति मून के अथक प्रयासों को जाता है। उनके दृढ़ विश्वास और धीरज के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए भारत के पूरे सहयोग की वचनबद्धता को फिर एक बार मैं दोहराता हूं। आज दोपहर सोल शांति पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान का विषय होगा। मैं यह सम्मान अपनी निजी उपलब्धियों के तौर पर नहीं बल्कि भारत की जनता के लिए कोरियाई जनता की सद्भावना और स्नेह के प्रतीक के तौर पर स्वीकार करूंगा। मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को दिए गए स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं राष्ट्रपति मून, कोरियाई सरकार और कोरियाई जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। खमसाहम निदा, धन्यवाद। खमसाहम निदा।